Hajar los. थैंक यू। मुझे पता था कि मैं चपरासी बनने का धंधा नहीं कर रहा हूं, मैं एक सेलिब्रिटी बनने का बिजनेस कर रहा हूं। 8 लाख रुपए महीने की कमाने की बात कर रहा हूं, 1 साल में सिंगल आईडी पे 1 करोड़ की बात कर रहा हूं। पसीना तो बहाना पड़ेगा। यस या नो दोस्तों, इस बिजनेस में आया, थैंक यू, इस बिजनेस में आया, QSE बना, सिल्वर बना, गोल्ड बना, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी। और दोस्तों आपने देखा होगा कि 14 अप्रैल 2013 को इसी बिजनेस से सबसे फास्टेस्ट डायमंड बना बिका, सबसे फास्टेस्ट। थैंक यू दोस्तों, अभी तो सिर्फ 15,000 लोग हैं, 1 साल के बाद मिलना 1.5 लाख पूरे हो जाएंगे। थैंक यू। जिस नौकरी में मेरे को कोई आजादी नहीं थी, मैं सलाम करता हूं अपनी जॉब को जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। लेकिन जॉब में जाने एक छोटा सा एक्सीडेंट था, मैं जॉब में सिर्फ इसलिए जाना चाहता था क्योंकि मुझे भर्ती बहुत अच्छी लगती थी, मेरे को शौक नहीं था, ना ही मैं पैसे के लिए गया था, लेकिन मेरे को रेस्पेक्ट चाहिए थी। जॉब में साला 1-2 पैसे का आदमी आके मेरे को बोलता, ओए इधर आ, वो काला है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, साला उसकी बात मैं सुनता था, अपनी बात कर रहा हूं। मुझे ऐसा फील होता था, यार साला मैं इसीलिए पैदा हुआ हूं, माँ बाप ने मेरे को खिलौने इसलिए दिए थे कि मैं किसी की साला नीचे जाके और मैं उसकी 2 पैसे का आदमी की हाँ मैं ना जवाब दूं। वहां पे मेरे मन का कोई खाना नहीं, मेरे मन की कोई चीज नहीं, सुबह ठंडी हो गर्मी हो शेविंग करनी है, जाना है, मर्जी नहीं है तो छुट्टी मिलेगी, नहीं मर्जी है तो नहीं मिलेगी। अरे यार गांधी जी देश आजाद करा के चले गए, हम गुलाम अभी भी हैं। बोला नहीं, ये नहीं चलने का साला, अपन कुछ और करने का। और अपन ने काम किया, 6 महीने तक दिल लगा के काम किया, साला सरकारी नौकरी को 6 महीने के अंदर ही एकदम सलाम, अब नहीं करनी भाई नौकरी। थैंक यू। मेरे रिश्तेदार, जब मैं नौकरी छोड़ के आया, रिश्तेदार पड़ोसी पापा को समझाते, बोला यार तुम्हारा लड़का पागल हो गया है, बताओ जिसके लिए हजारों लोग लाइन लगाते हैं प्राइवेट नौकरी में तो कोई भी घुस जाता है, भाई साहब आर्मी की नौकरी के लिए फिजिकल फिट, मेडिकल फिट और डॉक्यूमेंट फिट, तीनों चीजें चाहिए। सही कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं? तब जाके तो मेरे को समझाने के लिए आते थे, लेकिन मैं बोला यार ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं बोला साला आप घर भी छोड़ना पड़ेगा। मैंने साला जब तक महीने के मैं 2 लाख नहीं कमाऊंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा, घर भी छोड़ दिया मैं। थैंक यू। मैं तब तक घर नहीं गया था जब तक मेरे को महीने का 2 लाख नहीं आने लगा था। यशन हो, पापा को ले जाके मैंने 10 लाख का चेक दे दिया। मैं बोला पापा ये 10 लाख का चेक है, आपको जमीन खरीदनी है, प्लॉट खरीदना है, इसी बिजनेस से मैंने कमाए हैं जिस बिजनेस के लिए आप मुझे रोक रहे थे। फिर पापा से पूछा कंपनी बढ़िया है, अब मैं करूं? पापा बोले आप बेटा जी जान लगा दो, डायमंड बन के दिखा कर तुझे मेरा नाम रोशन करना है तो। थैंक यू दोस्तों, पीछे मुड़ के नहीं देखा क्योंकि साला एक तो जो मेरा बाप का नाम है, मेरे बाप का नाम है श्री शेर सिंह यादव, उनका बेटा गीदड़ का वाला कैसे काम कर सकता था। मैं बोला पापा दादाजी ने नाम आपका संभाल रखा है, आप शेर सिंह हो, मैं आपका बब्बर शेर बनकर नहीं दिखाया तो साला आपकी पैदाइश नहीं। मैं ग्रेटर नोएडा से बिजनेस स्टार्ट किया था, आज साउथ, मैं डिस्ट्रिक्ट नहीं गिनाऊंगा, साउथ, वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ, चारों दिशाओं में टाइगर टीम काम करती है, ग्रेटर नोएडा में भी है। थैंक यू। जब बिजनेस लोग बोलते थे अरे ठीक है यार कर लिया देखते हैं और क्या होता है, मैंने बोला ठीक है यार नौकरी वोकरी छोड़ दी, काम बढ़िया चल रहा है, एक कार ले लेते हैं। तो मैंने बिजनेस करने के तुरंत एक साल के बाद मैंने लिए अपने लिए कार ली, सेंट्रो ब्लैक कलर, देखा होगा आपने ग्रेटर नोएडा में चलती होगी। यस नो, वो कार चलाते चलाते मुझे लगा यार ये साला मजा नहीं आता, ऐसा लगता है रिक्शा चला रहा हूं मैं। दोस्तों इसी बिजनेस के माध्यम से इस विकास यादव ने आज की डेट में
अपने लिए जो नेक्स्ट गाड़ी बुक की है उसकी कीमत है 65 और उसका नाम है ऑडी, ऑडी 65 लाख रुपए की मैंने अपने लिए बुक कराई है। थैंक यू, सॉरी, ये मत सोच लेना मेरे बाप की कोई जागीर नहीं थी जिसको मैंने बेचा था। अपने दम पे एक नंबर बैट मनी 65 लाख रुपए की कार बुक की है, अपने दम पे, अपने दम की बात कर रहा हूं, एक नंबर बैट मनी से खरीदी है। पहला अचीवमेंट, सोचिए 65 लाख की गाड़ी से जब मैं उतरूंगा, जो आज की डेट में वर्ल्ड का नंबर 2 का ब्रांड है कारों में, यशनो, उस गाड़ी से अगर आप मैं उतरूंगा तो कैसा लगेगा मुझे? अच्छा, मेरे बाप को कैसा लगेगा? और उन लोगों को तो बहुत अच्छा लगेगा, जब मैं काम करता था सालों की मिर्ची लगती थी, मजाक, उनको तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, उनको तो इतना अच्छा लगेगा कि सारा छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, चूहे को बिल तो भी मिल जाता है, मैं मां कसम बोल रहा हूं, जगह नहीं मिलेगी। और थैंक यू, और मजा तो तब आता है जब पड़ोसी को मोमबत्ती बनाने में, पड़ोसी मोमबत्ती बनना चाहिए साला, ऐसे ऐसे काम करने चाहिए, यस या नो? और वो आज मेरे, थैंक यू, वो आज मेरे साथ होता है, आज मेरे साथ होता है वो, यस या नो? दोस्तों, सपना था, लोग बोलते थे ये वो फलाना बाप के घर में। आज दोस्तों इसी बिजनेस के माध्यम से मैंने आगरा के अंदर अपने लिए दमदार 5 स्टार पूरी सुविधाओं के साथ अपने लिए, जिसमें मेरी वाइफ और हम रहेंगे और हमारे बच्चे रहेंगे, अपने लिए एक लग्जरी 5 स्टार बिल्कुल एकदम लग्जरी 1 करोड़ रुपए से ऊपर का अपने लिए घर बुक करवाया मैंने। थैंक यू, कईयों को यही नहीं पता था, मेरे को ये नहीं पता था 1 करोड़ में 0 कितने होते हैं, इसमें भी कई बैठे होंगे गिनाएंगे, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, करोड़ के 0 पता नहीं होंगे। मैं मां सही बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं, वो तो दोस्तों अभी वाई क्या बच्चा हूं अभी, तुम्हें सिकुर लैब का यार, अभी तो साला मेरे को 4 साल भी नहीं हुए। लेकिन दोस्तों आज मान है, सम्मान है, कभी हवाई जहाज घर के ऊपर से जाता था, आज हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी एयरलाइंस नहीं बची है जिससे विकास ने सफर ना किया हो। थैंक यू दोस्तों, बात करता था लग्जरी की, आज मैं जहां भी जाता हूं हिंदुस्तान का वेस्ट से वेस्ट होटल ले लो साला, आज सिर्फ विकास कहीं भी बाहर जाता है तो सिर्फ 5 स्टार होटल में ही रुकता है, इससे नीचे कोई होटल बना नहीं मेरे लिए। और दोस्तों मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि ये मैंने बहुत कुछ करके दिखा दिया, नो, ये तो सिर्फ ये सोच लो तिल के बराबर है, असली कहानी, असली जो कहानी है वो अभी लिखनी बाकी है। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं, अगर भगवान ने सांसें बख्शी तो साला मैं दिन का 10 लाख रुपए भी कमा के दिखाऊंगा, 1 नंबर की बाइट मनी, दिन का 10 लाख। आज जो मेरी कमाई है, मैं जो कमाता हूं वो नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका TDS बता देता हूं। जितना ग्रेट वन जो अफसर जो होता है IAS या उसकी बात कर लें, महीने की जितनी तनख्वाह लेता है इतना तो विकास यादव का TDS करता है, फौरन नंबर 16। थैंक यू दोस्तों, आज इस बिजनेस की वजह से नेम है, फेम है, इज्जत है, शौहरत है, और मैं आज अपने बिजनेस का जीनियस हूं। जहां पे लोग ये बोलते थे कि ज्वाइन नहीं करेगा, जिसके भी सामने बैठते हैं उसे हम ज्वाइन करा ही लेते हैं, चिल्ला के नहीं, कैसे भी करके ज्वाइन करा ही लेते हैं, यशनो। बस दोस्तों आप लोगों से एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि आज आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, लोग मजाक उड़ाएंगे, और बोला जाता है कि जब जब जिस पे जग हंसा उसने कोई ना कोई साला एक इतिहास रचा है। थैंक यू, मैं राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखता हूं, मैंने बहुत देखे हैं जो ऐसे करते ना, अरे कुछ नहीं होता, 10 साल के बाद मक्खी मारते मैंने देखे हैं, उनको मैंने 10 साल के बाद अपनी आंखों से मक्खी मारते देखा है।
लेकिन आज तक साला जिसने भी सिकुर लाइन में दम लगा के काम किया उसके ऊपर मैंने फूल बरसते हुए जरूर देखे थे इस बिजनेस में आने के बाद। थैंक यू दोस्तों, जो भी आज हूं मैं, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि बिजनेस को कभी भी दिमाग में चाहे काम हो या ना हो, लोग ज्वाइन करें या ना करें, दिमाग में कभी छोड़ने के बारे में मत सोच लेना। क्योंकि जब भी आपकी शुरुआत एक छोटे दर्जे से शुरुआत होती है लोग मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उस समय आपके पास कुछ होता नहीं है। लेकिन एक दिन जो लोग मजाक उड़ाते हैं दोस्तों, उनके लिए छुपने के लिए जगह नहीं बचेगी। बस लगे रहना, लगे रहना। और थैंक यू, और थैंक यू। आज बताते हो, बड़ा फक्र होता है कि आप हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी सिकुर लैब में काम करते हो और सिकुर लैब की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली टाइगर टीम में काम करते हो सारे के सारे। थैंक यू, थैंक यू। आज मैं जो भी हूं इसका श्रेय उस भगवान को जाता है जिसने मुझे सद्बुद्धि दी, मेरे माँ बाप को जाता है जिन्होंने मुझे संस्कार दिए कि मैंने कभी भी कोई गलत काम करने की इच्छा नहीं की। बहुत सारे लोग पैसा कमाने की होड़ में गलत रास्ता चुन लेते हैं, जन्नत पिक्चर की तरह, देखा है लास्ट में क्या होता है, अमनीशपुरी की तरह लास्ट में क्या होता है। भगवान ने सद्बुद्धि दी कि आज मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसे माँ बाप ने संस्कार दिए मुझे। पूरा क्रेडिट जो जाता है वो हमारी ग्रेट कंपनी सिकुर लाइफ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को जाता है और रॉयल ड्रीमर टीम को जाता है। और हमारे, थैंक यू, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर जसवीर जी, मिस्टर विजयपाल सर और मिस्टर माधव सर और ग्रेवाल सर को जाता है जिन्होंने पल पल में मेरा साथ दिया। मैं चाहूंगा म्यूजिक के साथ इनके लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार जोरदार। थैंक यू। लेकिन जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है जिन्होंने मेरे को हर पल संभाला, जो मेरे इस बिजनेस में कोच कह लो, गुरु कह लो, जिनकी गाइडेंस में रहके मैंने इस बिजनेस में आने के बाद अपनी जिंदगी को जीना सीखा है, काटना नहीं सीखा। आज मेरे मेरी जिंदगी में जो भी खुशियां हैं हर खुशी पर उनका नाम है। मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार तालियां, हमारे बिजनेस लीडर मिस्टर जसवीर जी, जोरदार तालियां, जोरदार। थैंक यू, थैंक यू। बस एक ही चीज का ध्यान रखना, सक्सेस कीमत मांगती है। क्या मांगती है? मैं कीमत दे रहा हूं। आज 3.5 साल हुए हैं, जिस दिन आप 3.5 साल दे दोगे उस दिन आप अपनी जिंदगी को देखे मुड़ के कि मेरे से भी बहुत ऊपर चले जाओगे। दोस्तों, आपने मुझे तहे दिल से इज्जत के साथ और शांति के साथ चुना, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच।